जब एक तरफ अंग्रेजों से भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ एक शख्स भारत की बड़ी आबादी को सामाजिक गुलामी से आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहा था। जो आबादी हजारों साल से हिंदू वर्ण व्यवस्था की शिकार होकर हाशिए पर आ गई थी, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए हर मोर्चे पर लड़ रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहुजनों के मसीहा, नॉलेज ऑफ सिंबल कहे जाने वाले भारत रत्न, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। बचपन में ही भीमराव अंबेडकर के परिवार के साथ सामाजिक आर्थिक रूप से जातीय भेदभाव किया जाता था। खुद जात पात छुआछूत से जूझते हुए करोड़ों लोगों को उस जंजाल से निकालने का बीड़ा उठाने वाले बाबा साहेब ने अपनी जिंदगी में हर कदम पर संघर्ष किया। तमाम संघर्षों को झेलकर कानून की पढ़ाई करने वाले बाबा साहब की जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे महाड़ क्रांति की। 20 मार्च 1927 को महाड़ नामक स्थान पर बहुजनों की एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे कि स्वतंत्रता व अधिकार कभी भीख की तरह मांगने से नहीं मिलते, इसलिए उन्होंने महाड़ के चपदार तालाब से पानी लेकर बहुजन लोगों को अपने अधिकारों को छीनने के लिए ललकारा। वे अपने लोगों को जुलूस लेकर तालाब पर गए और पानी पिया। बहुजन लोगों ने सवर्णों के तालाब से पानी पीकर सदियों से लगे प्रतिबंध का खात्मा किया और अपने अधिकारों की हुंकार भरी। ऐसी एक महत्वपूर्ण घटना थी पूना पैक्ट समझौता। 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरबदा जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। असल में बाबा साहेब बहुजनों के लिए दोहरे मताधिकार की बात कर रहे थे, जिसमें एक बोर्ड से बहुजन अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तो दूसरे बोर्ड से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनेंगे। बहुजन प्रतिनिधि को चुनने में गैर बहुजन वर्ग यानी सामान्य वर्ग का कोई दखल नहीं होगा, लेकिन दूसरी ओर बहुजन वर्ग अपनी दूसरे बोर्ड के माध्यम से सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने में अपनी भूमिका निभा सकता था। इस प्रकार बहुजन प्रतिनिधि केवल बहुजनों के बोर्ड से ही चुना जाना था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन से जो अधिकार बहुजनों के लिए लेकर आए थे, उसको लेकर महात्मा गांधी ने उन अधिकारों के खिलाफ भूख हड़ताल कर दी और साथ के साथ मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी और इन अधिकारों को रद्द करने का सबके सामने प्रस्ताव रख दिया। आखिर पूना समझौते में बहुजन वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल को रद्द कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर को कम्युनल अवार्ड से मिले अलग निर्वाचन के अधिकार को छोड़ना पड़ गया तथा संयुक्त निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन इस समझौते में बाबा साहेब ने अपनी मांग रखकर आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों को 18% करा दिया। साथ ही बहुजन लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा फंड से पर्याप्त राशि कराई और सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के बहुजन वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित कराया। इसी प्रकार पूना पैक्ट को आरक्षण का जनक माना जाता है। इस तरह की एक घटना हिंदू कोड बिल को लेकर भी हुई थी। उस दौर में हिंदू महिलाओं की हालत बद से बदतर थी, जिसको देखते हुए 11 अप्रैल 1947 को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में हिंदू कोड बिल पेश किया था। यह हिंदू महिलाओं की आज़ादी का ऐलान था, जिन्हें उस दौर में पांव की जूती समझा जाता था। उस समय हिंदू मर्द चाहे जितनी शादियां कर सकता था, लेकिन औरतों को ना तलाक लेने का अधिकार था तो ना ही संपत्ति में हिस्सा मिलता था। इन सभी अधिकारों को दिलाने के लिए बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल की रचना की, लेकिन परंपरावादियों ने इस बिल का जमकर विरोध किया। आरएसएस ने तो रैलियां करके डॉक्टर अम्बेडकर के पुतले तक फूंके। रामराज परिषद के संस्थापक करपात्री महाराज ने कहा कि अम्बेडकर अछूत हैं, उन्हें ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित चीजों में दखल देने का अधिकार नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस बिल के समर्थन में थे, पर भारी विरोध की वजह से वह भी इसे पारित नहीं करा पाए। आखिरकार बिल के पारित न होने पर डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हक की लड़ाई को हर कदम पर जारी रखा। उन्होंने बहुजनों और महिलाओं को हक दिलाने के लिए भरपूर प्रयास किए। एक अकेले अंबेडकर ने उस वक्त सरकारों की नींव हिला दी थी। वे हर वर्ग के लिए समानता चाहते थे, जिसके लिए उनके प्रयास भारतीय संविधान में अधिकारों के रूप में खूब देखे जा सकते।